हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर 1 दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का चैप्टर है बीकॉम फर्स्ट ईयर का, और ये सब्जेक्ट मोस्टली और सारी स्ट्रीम्स में है। बीकॉम में भी है, बीबीए में भी है, और बहुत सारे एमकॉम एमए सब में है ये, और बीए वालों के लिए भी है। सो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड का और न्यूट्रिशन का कंसेप्ट क्या होता है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फूड और न्यूट्रिशन जो है वो मेथड्स ऑफ गेटिंग फ्यूल इन आर बॉडी, मीन्स फूड और न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में फ्यूल जाता है जो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारी बॉडी को। वी नीड अ गुड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर आर बॉडीज ऑन एवरी डे बेसिस। हमें अपनी बॉडी के लिए एक गुड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए एवरी डे बेसिस पर, मीन्स हमें रोज़ एक अच्छा गुड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपनी बॉडी को, जैसे हमारी बॉडी हेल्दी रहे और फंक्शनिंग उसकी हेल्दी हो, लिव हम लोग अच्छे से रहे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फूड हमारी बॉडी के लिए। वाटर भी, ये नहीं कि सिर्फ हम फूड ही खाएं, वाटर इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी कॉम्पोनेंट फॉर आर बॉडी, हमें वाटर भी चाहिए होता है। एंड अकॉर्डिंग टू अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी पर अगर किसी का वेट 20 केजी है तो 20 केजी पर 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो नेसेसरी है। मीन्स अगर आपका वेट 40 है तो आपको 2 लीटर वाटर ड्रिंक करना है पर डे, एंड इफ़ यू आर ऑन 60 देन यू हैव टू ड्रिंक 3 लीटर वाटर पर डे। ओके, फैट्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। फैट्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में लार्ज क्वान्टिटीज़ में चाहिए होते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फूड के लिए फूड कंजम्पशन एंड न्यूट्रिशन बोथ लीड्स टू गुड हेल्थ। इफेक्टिवली मैनेज करना होता है हम अपने फूड कंजम्पशन को भी और न्यूट्रिशन को भी अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। ये नहीं हम सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान देते, हम इफेक्टिवली मैनेज होता है फूड कंजम्पशन जो है एक इफेक्टिवली हमें कंज्यूम करना चाहिए फूड, नॉट सो मच एंड नॉट सो लेस। फूड इज़ मेड अप ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फूड जो बनता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से बनता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर बॉडी नीड फॉर अ लेस क्वांटिटी। एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन एंड मिनरल्स। फाइटोकेमिकल्स नॉट ओनली गिव कैलरीज, फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ हमें कैलरीज नहीं देते, हमें सर्व करते हैं अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर दैट बॉडी ऑपरेट्स इन ऑप्टिमम। हमारी बॉडी जो है वो एक ऑप्टिमम वे में ऑपरेट हो सके, काम करे। हम पढ़ते हैं हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फूड। फूड का क्या मीनिंग होता है और डेफिनेशन क्या है। फूड जो एक प्राइमरी नीड है ह्यूमन लाइफ की, जैसे ह्यूमन लाइफ की एक प्राइमरी नीड है। फूड इज़ एक्सप्लेन इन द चैम्बर्स डिक्शनरी, एज चैम्बर्स डिक्शनरी में फूड को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट वन फीड्स ऑन, जो एक फीड करता है। व्हाट वन डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट होता है, नरिशेज द बॉडी, बॉडी को नरिश करता है। फूड इज़ व्हाट ड्राइव ग्रोथ, फूड वो है जो ग्रोथ में हेल्प होता है। ऑन द बेस ऑफ द अबव नॉलेज हम डेफिनेशन बता सकते हैं फूड की। ऑल दोज सब्सटेंसेज डेट कैन बी ऑब्जर्व एंड डाइजेस्टेड बाय द बॉडी एंड विच आर हेल्पफुल and which are helpful in the growth and development of a person's body is called food. So here is the definition of food. आई होप आपको समझ में आया होगा फूड क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड और न्यूट्रिशन क्या था। यहाँ पर और भी डेफिनेशन है फूड की, आप उसे बाद में रीड कर लेना फ्रॉम द बुक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इटसेल्फ। न्यूट्रिशन जो एक बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म फूड को सपोर्ट करता है उसकी लाइफ के लिए। इट इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इंक्लूड्स होते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन एक रिलेशनशिप होता है मैन में और फूड में, एंड इंक्लूड्स फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल। माइक्रोकेमिकल प्रोसेस जो भी हमारी फूड जो है यूज़ करता है हमारी बॉडी में डाइजेशन, न्यूट्रिशन और स्टोरेज के बाद, उस माइक्रोकेमिकल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। हियर आर द सम न्यूट्रिशंस ऑफ डेफिनेशंस, यू कैन रीड इट बाय योर ओन सेल्फ। नाउ कम टू द न्यूट्रिशन स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस एक कंडीशन होती है बॉडी की जो इन्फ्लुएंस करती है, जो इन्फ्लुएंस होती है डाइट से। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बॉडी में और एबिलिटी उस लेवल को मेंटेन करने की, नॉर्मल मेटाबॉलिक इंटीग्रिटी की, इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस। द कंडीशन ऑफ द बॉडी विच इन्फ्लुएंस बाय द डाइट, द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड द एबिलिटी ऑफ दोज लेवल्स टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक इंटीग्रिटी। एडल्ट के लिए फूड डेट अ पर्सन कंज्यूम्स इन अ डे इज कॉल्ड द डाइट ऑफ डेट पर्सन ऑफ अ बॉडी। डाइट के कहते हैं जो अमाउंट ऑफ फूड, मीन्स जितना फूड आप कंज्यूम करोगे एक दिन में, उसे कहते हैं डाइट ऑफ डेट पर्सन फॉर अ डे। कम टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने सुना है कि डाइट होती है मीन्स कम खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कम खाना डाइट नहीं होती, हेल्दी खाना टाइम टू और फिर प्रॉपर कंजम्पशन के साथ, डेट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट।
इन अ फैमिली देयर में भी इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रन एडोलसेंट एडोलसेंट एडोल्ट एंड एडोल्टली ऑल लिविंग अंडर वन रूफ। फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, यंग भी होते हैं उसमें, कुछ ओल्ड होते हैं, एडल्ट होते हैं, एक छत के नीचे मीन्स अंडर वन रूफ। इट इज़ ऑलवेज अ बिग चैलेंज टू प्रोवाइड अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट फॉर ईच ऑफ द मेम्बर। ये एक बिग चैलेंज होता है प्रोवाइड करना एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट सारे मेम्बर्स को, हर एक मेम्बर्स को, पर्टिकुलरली वेन देयर नीड्स प्रेफरेंस इज वेरी। सो वॉट शुड बी द गाइडिंग फैक्टर टू इंश्योर बैलेंसड मील्स डैट मीट द नीड्स ऑफ ऑल मेम्बर्स। एक गाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए जो बैलेंसड मील प्रोवाइड करे मैं सारे मेम्बर्स को, जिससे बैलेंस मील मिल जाए। Is there a standard or a reference that would serve as a goal for good nutrition? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया कि कोई स्टैंडर्ड और रेफरेंस होना चाहिए जो सर्व करे गोल, मतलब सो एज अ गोल सर्व करे गुड न्यूट्रिशन। रिकमेंडेशन डाइटरी अलाइंस RDA लेवल्स होते हैं, इनटेक ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आर जस्ट टू बी एडिक्वेट और सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल 97-98% हेल्दी इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप। RDA जो है वो लेवल्स होते हैं कि हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के लेवल्स होते हैं, किस बेसिस पर, साइंटिफिक नॉलेज पर, सफिशिएंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो सके बॉडी की हेल्दी इंडिविजुअल्स को, स्टेज होता है। प्लीज़ नोट फर्दर डेट RDA जो होते हैं हमारे रिकमेंडेड डाइट की अलाउंसेस अप्लाई नहीं करते पीपल को, उन लोग वो लोग RDA नहीं ले सकते जो सफरिंग जिन्हें कोई डिसीज़ है विच इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिएंट इनटेक, उन्हें कोई डिसीज़ है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने से, अगर वो न्यूट्रिएंट लेंगे तो उससे कुछ उसे इफेक्ट हो सकता है। दे ओनली अप्लाई टू हेल्दी पीपल, RDA सिर्फ हेल्दी पीपल को अप्लाई किया जाता है। हेल्दी ईटिंग फूड पिरामिड, एज यू हैव सीन दिस पिक्चर, दिस इज द पिरामिड। इसमें ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क ऑल्टरनेटिव्स, मीट एग एंड ऑल्टरनेटिव्स, फैट हैं, ऑयल सॉल्ट एंड शुगर और फ्रूट्स हैं। ये क्या होता है, ईट मोस्ट, हमें ग्रेन सबसे ज़्यादा खाने चाहिए, हेल्दी ईटिंग फूड है हमारे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी, मीट फिश ही मॉडरेटली खाने चाहिए, कम खाने चाहिए हमें फैट ऑयल सॉल्ट एंड शुगर और एडिकेट अमाउंट ऑफ फ्लूड, मीन्स जितना हमारी बॉडी सफिशेंट है, मीन्स हमारी बॉडी के लिए सफिशेंट वाटर है, टी है, क्लियर सूप है, हमें सिर्फ वो लेना चाहिए एवरी डे। एज आई टोल्ड यू वाटर चाहिए 20 kg पर 1 liter वाटर कंपलसरी है। न्यूट्रिएंट्स, फूड कंटेन्स मैनी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, फूड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस को भी कंटेन करते हैं जो नेसेसरी होते हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, उसे टेयर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डिसीजेस से, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं नेसेसरी, हमें प्रॉपर क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं मैनेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बॉडी में और मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्थ को। मोस्ट फूड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट, मतलब बहुत सारे जो फूड्स होते हैं वो कंटेंट करते हैं, मीन उसमें एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क हैज़ प्रोटीन फैट एट्सेट्रा, मीन्स मिल्क में न्यूट्रिएंट, मिल्क एक न्यूट्रिएंट, उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और बहुत सकती, तो दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। इन सारे फूड्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो हेल्पफुल हो हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी मेंटेनेंस के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए, दीज आर ऑल न्यूट्रिएंट्स। So here the definition, those chemical substances, वो केमिक विच आर असेंशियल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, वो केमिकल सब्सटेंसेज जो असेंशियल हो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बॉडी के लिए और मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्थ को, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को 6 फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, वाटर, फाइबर। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये चार्ट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर, यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स और सोर्सेज है, आप इसे रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, कहाँ कहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, हमने फूड को क्लासिफाई कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। अ बॉडी इज ऑलवेज इन नीड ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स, हमारी बॉडी को हमेशा न्यूट्रिएंट्स रिच फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है। फूड आइटम्स आर ऑल द थिंग्स विच वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड आइटम्स तो वो होते हैं जो हम खाते हैं किसी भी फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड में हम लोग जो खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम खाते हैं, हमारे लिए फ्रूट है, ये सारे जो है ये फूड आइटम्स हैं। ईच न्यूट्रिशियस एलिमेंट इज इन डिफरेंट क्वान्टिटी, हर फूड आइटम में न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटी में होता है। देयरफॉर अ सिंगल फूड आइटम कैन नॉट बी अ बैलेंस डाइट फॉर एनीवन, सो हम ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही फूड लें और वो हमारे लिए बैलेंस डाइट हो जाए, हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड लेना चाहिए क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, जिसकी हमारी बॉडी को नीड है। फॉर अ बैलेंस डाइट मैनी फूड आइटम्स हैव टू बी टेकन टुगेदर देन द फूड इज बैलेंस्ड। बैलेंस डाइट के लिए हमारी हमें बहुत सारी फूड आइटम्स को
लेना होता है जिससे हमारा जो फूड है उसका बैलेंस बना रहे। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अ बैलेंस डाइट फॉर ह्यूमन बींग्स थाउजेंड्स ऑफ फूड आइटम्स हैव बीन डिवाइड इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ऑर्गेनाइज करने के लिए बैलेंस डाइट को ह्यूमन बॉडी के लिए थाउजेंड्स ऑफ फूड आइटम जो है उन्हें डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। ये सारे फूड जो है ईच टाइप ऑफ फूड जो है वो प्रोवाइड करेगा एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। देयर आर मेनी फूड आइटम्स इंक्लूडिंग इन ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में हर ग्रुप में बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मींस हमने किसके बेस पर न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर हमने फूड को डिवाइड कर दिया क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट ग्रुप्स में। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन मिनरल्स इसमें हमने किया है इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब किस किस कैटेगरी में क्या फूड कंटेनिंग कार्ब्स वो फूड जिसमें कार्ब्स हो वो हमारे शुगर है स्टार्च शुगरी फूड्स होते हैं इंक्लूडेड की शुगर जैगरी हनी स्वीट्स ये सब जैम जम जेली ये हमारे फूड्स हैं जिसमें कार्ब्स होते हैं। फैट रिच फूड आइटम जिसमें फैट होता है घी फैट बटर क्रीम एंडसेट्रा। प्रोटीन फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन होगा वो है हमारे मीट फिश लिवर एग्स ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा। फूड्स कंटेनिंग मिनरल सॉल्ट्स वो फूड जिसमें मिनरल्स हो सॉल्ट्स हो हमारे वो कहाँ हैं वो कौन से हैं मीट फिश एग्स लिवर मिल्क एक्सेट्रा जो हमें सीरियल्स में मिलते हैं पल्सेस में मिलते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं। ये आते हैं अंडर द कैटेगरी फूड आइटम्स कंटेनिंग मिनरल सॉल्ट वो फूड आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं जो मिनरल सॉल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं कंटेन करते हैं। विटामिन रिच फूड आते हैं विटामिन रिच फूड ऑलमोस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और अलग टाइप और अलग फूड्स जो होते हैं वो होते हैं विटामिन उसमें होता है विटामिन बस बट मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं मीट फिश लीवर एग एक्सेट्रा कंटेंट्स विटामिन आर फाउंड इन अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी। मिल्क में फिश में बहुत और यहाँ पे जो नेम लिखे यहाँ पे जो मतलब अदर देन ग्रीन वेजिटेबल इन सब प्रोडक्ट्स में भी लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन प्रेजेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।